एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, इसे मैंने पिक किया है ट्रेंडिंग नॉवल्स की लिस्ट से। और ये ना मतलब ये कह लो कि कैरेक्टर्स और मतलब कपल्स से भरी हुई नॉवल होने वाली है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा ये जानने के लिए, तो आप लोग को पूरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आप लोग को चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी। बाकी इसके अभी तक ज़्यादा चैप्टर्स नहीं आए हैं, तो पहले मैं आप लोग को उसके डिटेल जो है वो प्रोवाइड कर देती हूँ। बाकी जो लिंक्स वगैरह होंगे मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो है आप लोग इस नॉवल को पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है जिद्दी आशिक और इसकी जो रेटिंग है वो 4.1। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है इमेजिनेशन क्वीन और इसके जो चैप्टर्स अभी तक आए हैं वो है 26। और मैंने कितने पढ़े हैं, वेट अ मिनट, क्योंकि मैंने लिखा था तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। मैंने इसके 21+ चैप्टर्स जो है ना वो पढ़े हैं। एग्जैक्ट नंबर ने मुझे ध्यान नहीं, क्योंकि उस टाइम जब मैंने इसको पढ़ा था ना तो इसके 21 ही थे। तो उसके बाद भी मैंने पढ़ा है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने 2-3 ही पढ़े हैं उसके आगे। अभी मतलब मैंने 26 तक तो पूरा नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा कैरेक्टर्स के बारे में भी पता चल जाए। तो सपनों में जीने वाली मान्यता, जिसका सपना ही सब कुछ है, नादान चुलबुली और खूबसूरत मान्यता को देखकर कोई भी उसका दीवाना बन जाता है। सबको प्यार बांटने वाली मान्यता की किस्मत में आ गया तरंग नाम का एक बवंडर। मतलब मान्यता और तरंग ये हमारे फर्स्ट कपल हैं, तो जो हार्टलेस होने के साथ साथ दुनिया पर करता है राज, वो अपने आगे किसी की नहीं सुनता। ऐसे में क्या करेगा तरंग भोली भाली मान्यता के साथ। वहीं एक और है सितारे, मतलब सितारे नहीं था वैसे, सितारा था, ठीक है, हमारी जो हीरोइन है उनका नाम, जो अपने सपनों को अधूरा छोड़कर जी रही है अनाथ बच्चों के लिए। ऐसे में क्या मिलेगा उसे एक मिस्टर परफेक्ट जो देगा उसका साथ। तो यहाँ पर करेक्शन है, सितारा है, ठीक है, तो या ऐसे ही दम तोड़ देगा उसका सपना। कभी क्या कभी पूरे हो पाएंगे सितारा मान्यता के सपने, तो ये जानने के लिए आप लोग को इस नॉवल को जो है वो पढ़ना पड़ेगा। तो जिस तरीके से इन्होंने बताया, हाँ जी बिल्कुल वैसा ही है। तो सेकंड कैरेक्टर आप लोग, मतलब सेकंड कपल आप लोगों को पता चल गया सितारा, और इनके जो सितारा के साथ आप लोग को जो देखने को मिलेंगे वो है तपिश। ओके, तो मैं थोड़ा पहले कपल्स के बारे में बता देती हूँ आप लोगों को। तो मेन जो कपल है वो दिखाए गए हैं सितारा और तपिश और मान्यता और तरंग। ये जो तपिश और तरंग है ये दोनों सेम ही, मतलब ये कह लो कि भाई समझ लो इनको आप लोग, ठीक है, ये दोनों भाई हैं। और इनका भी ये जो सितारा और मान्यता है इनका भी कुछ कनेक्शन है, लेकिन बाद में आप लोग को पता चलेगा, जो कि धीरे धीरे काफ़ी कह लो कि फ्रेंड्स के साथ भी जो ग्रुप बने हुए हैं उनमें भी काफ़ी ये कह लो कि चीज़ें हैं। तो आप लोग को और जो कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे वो हैं करण, आर्या। करण जो है वो मान्यता के फ्रेंड है और आर्या का आप लोग को आगे चल के पता चलेगा, मैं सारी चीज़ें नहीं बताऊंगी। वेद और अनिका, और योहान और विधि, और इसी तरीके से रोहन और सिद्धि, और साथ में आप लोगों को और भी कैरेक्टर्स जो है ना इसमें देखने को मिलेंगे। तो यार मतलब ये कह लो कि इतने सारे जो लोग हैं ना, इन सब की लव स्टोरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। सिर्फ एक इस चीज़ की वजह से ना इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, क्योंकि भाई अगर मैं चार कपल भी हो, मतलब 2-3 कपल भी हो ना, मैं तो भी समझ में मुझे आता है कि मैं हाँ अच्छे तरीके से इसको अटेंशन देके एकदम सही से पढ़ सकती हूँ। लेकिन पता क्या होता है, जब हम इतने सारे कपल्स की स्टोरी पढ़ रहे होते हैं ना, और वो भी तब जब हमें डेली एक चैप्टर का इंतज़ार करना पड़ता है, तो हम ना थोड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को बाई चांस उस चैप्टर के लिए टाइम नहीं मिला, ठीक है, मान लो थोड़ा सा गैप आ गया, आप पूरी स्टोरी को स्किप कर जाओगे, क्योंकि अब आगे आपको समझ ही नहीं आएगा कुछ भी, क्योंकि वो दिमाग से निकल गया, वो फ्लो नहीं बैठा। तो मैं चाहती हूँ अगर इतने कपल्स हो ना, तो भाई अच्छे से पहले ना उस नॉवल के, मतलब ये कह लो कि कई सारे चैप्टर्स हो, ताकि मैं एकदम पूरा ना जुड़ जाऊँ उसके साथ, ताकि मैं अगर कई दिन बाद भी पढ़ूँ तो भी मेरे दिमाग में रहे हाँ ये इस तरीके की स्टोरी थी। तो ये चीज़ें हैं। बाकी हाँ, इसमें आप लोगों को मान्यता और उसके ग्रुप की स्टोरी जो है वो देखने को मिलती है। दूसरी तरफ सितारा वाली साइड है, और सितारा के साथ जो है उन आप लोग को देखने को मिलती हैं, उनका नाम मैंने आप लोग को बताया ना, अनिका, ठीक है, वो उनको लेकर आती हैं मुंबई अपने साथ, सितारा को, और कुछ बच्चे भी हैं, ठीक है। तो वो ये लोग ना दोनों, मतलब अनाथ वाला ऐसा सीन है, ठीक है, तो ये काम करते हैं और जॉब से जो है उन बच्चों का भी जो है ध्यान रख रहे हैं, और अपना खुद का भी जो है
चीज़ें उठा रहे हैं, मतलब खर्चे उठा रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ मान्यता की बात की जाए तो भाई फैमिली वाला सीन है, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से ये कह लो कि उन्होंने जो है वो शादी करनी पड़ी उन्हें, लेकिन अब उन्होंने अपनी फैमिली को इस बारे में कोई भी मतलब ये कह लो कि इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं की कि मैं क्या मतलब मैंने शादी कर ली है, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे हीरो जो है ना वो एक बिजनेसमैन है दोनों साइड से, साथ में इसमें आप लोगों को थोड़ा सा माफिया वाला सीन भी जो है वो देखने को मिल जाता है, ठीक है। लेकिन ये सब लोग जो है एक दूसरे से कैसे मिले, हमारी हीरोइन का तो 4-5 जनों का ग्रुप है, ठीक है। और सेम चीज़ यहाँ पर दो और हो गई, एक ही सितारा और अवनी, और जो ये बाकी वेद हैं वो तो हमारी हीरोइन के भाई हैं। तो इस तरीके की चीज़ें ना आप लोगों को देखने को मिलेगी, और इनका किस तरीके से कनेक्शन है वो आप लोग को देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि ये जो रिलेशनशिप्स दिखाए गए ना ये एक फोर्स्ड रिलेशनशिप्स हैं, तो मनमर्जी वाला सौदा यहाँ पे था ही नहीं ना, वन साइडेड। हाँ, हीरो की साइड से आप लोग कह सकते हो कि वन साइडेड लव है, और लेकिन हमारी हीरोइन की साइड से ऐसा कुछ नहीं है, उनके फीलिंग्स जो है मतलब हैं, कह लोगे आप लोग थोड़ा बहुत मिल जाएगा आप लोगों को देखने को, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोग को देखने को मिल जाए। तो ये जो चीज़ें थी ना इनकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं स्टोरी में, तो बट कोई बात नहीं, क्या किया जा सकता है। बाकी एक चीज़ और है कि तपिश के साइड से कि यार उनका कुछ मे बी पास्ट है और वो किसी को ढूंढ रहे हैं, और जब वो सामने आ जाएंगे तो उनका क्या चीज़ें होंगी, क्या वो उनकी लव लाइफ से जुड़ा हुआ है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था जहाँ तक मैंने पढ़ा था, ठीक है। उसके आगे चीज़ें अलग होती हैं, और किस तरीके से मान्यता जो है वो अपनी फैमिली से हमारे हीरो को इंट्रोड्यूस करवाएगी, और साथ ही साथ उन्होंने उनसे टाइम भी मांगा है, वो भी सिर्फ रीजंस यही हैं कि वो अपनी लाइफ में अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करना चाहती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। लाइक वो अपने खुद का एक नाम चाहती हैं, ये नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड के नाम की वजह से ही मुझे जो है वो रिस्पेक्ट मिले, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और काफ़ी पॉजिटिव भी है। तो ये चीज़ें हैं, बस अभी कह लो सब करियर फोकस्ड है, साथ में रिलेशनशिप को भी लेके चल रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, जो सिखा भी रही है बहुत कुछ, और बाकी समझने वाले के ऊपर है, समझदार को इशारा काफ़ी है। तो कुछ इस तरीके की है, तो ये किस तरीके से रिलेशनशिप जो है इनके वो ट्रैक पर आएंगे, और इनके जो बिजनेस राइवल्स हैं या फिर जो दुश्मन हैं इन लोगों से, ये उनको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, और तो और क्या बोलते हैं, क्या इनका रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव रह पाएगा, और जो वो अनकहीं अनकहा वाला प्यार है और वो कब जो है वो एक कन्फेशन में बदलेगा, ठीक है। ये सब कुछ जानने के लिए ना आप लोग को इस नॉवल को पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल रीसेंट बेसिक सी ही स्टोरी है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है कि बहुत ताम झाम हो, लेकिन बस इतने सारे कपल्स हो गए ना इस वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है, वरना स्टोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई जाके पढ़ सकता है, और इतना ज़्यादा इमोशनल चीज़ें भी नहीं है। तो इसमें आप लोग को जो देखने को मिलेगा ना वो मोस्टली आप लोग को ड्रामा देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा ये कह लो कि रोमांस, मतलब रोमांस तो बेसिकली है ही है, तो रोमांस हो गया और थोड़ा सा थ्रिल सस्पेंस, रॉयल लाइफ स्टाइल और फैमिली ड्रामा, ये सारी चीज़ें, फ्रेंडशिप गोल्स, ये सब कुछ चीज़ें ना आप लोगों को देखने को मिलेंगी इसमें। बाकी देखते हैं आगे चल के अगर कुछ रिवेंज वाला इंट्रोड्यूस होता है या चीज़ें कुछ अलग होती हैं तो वो चीज़ अलग है, बट हाँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, हर कोई जाके इसको पढ़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग की इच्छा, लिंक मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप लोग को पढ़ना है तो जाके वहाँ से आप लोग जो है इसको पढ़ सकते हैं। बस एक ही हिदायत है, इमेजिनेशन तक रखिएगा, और कुछ पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली आप लोग जो है वो एडमायर कर सकते हैं। तो आई होप कि मेरा रिव्यू इस नॉवल को लेके आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा, और अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।